हेलो फ्रेंड्स, एक बार से फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो आपको डबल बेड दिखाऊंगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दोस्तों आपको यहां से डबल बेड मिल जाएगा। और अगर आप डबल बेड लेने का प्लान कर रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि उस वीडियो में पूरा डिटेल में डबल बेड कवर करा है और पूरी डिटेल बेड की पूरी मैंने कवर करी है। क्या क्वालिटी ऑफ पॉलिश है, क्या क्वालिटी ऑफ लकड़ी है, सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर करी है। और अब एक काम करता हूँ, सीधा आपको बेड के पास लेके चलता हूँ, बेड की पूरी डिटेल कवर करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप हेड साइड का डिज़ाइन देख सकते हैं। हेड साइड का दोस्तों आपको जो डिज़ाइन है उसमें स्टोरेज भी आपको मिलेगा। और अगर मैं हेड साइड की दोस्तों हाइट की बात करूं कि जमीन से हमारी हेड साइड की हाइट कितनी है, 4.5 फीट जमीन से हेड साइड की हाइट है। प्लस इसमें यहाँ आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाएगा, ये इसके अंदर दोस्तों आपको स्टोरेज मिल जाएगा पूरा। और यही सेम चीज दोस्तों आपको उस साइड भी मिलने वाली है। और ये दोस्तों हमारा वुडन पार्ट है, बीच में हमारा वुडन लगा हुआ है। लकड़ी दोस्तों जो लगी हुई है सारी सागवान की लकड़ी लगी हुई है। जितने भी एक कार्विंग वर्क देख रहे हैं आप, सारी लकड़ी पे हो रखा है। और लकड़ियां दोस्तों जितनी भी लकड़ी लगी है इस बेड में सारी सागवान की लकड़ी लगी है। और ये वाला पार्ट दोस्तों हमारा स्टोरेज वाला पार्ट है, ये स्टोरेज है। ये कम से कम यहाँ से लेकर आपको जमीन तक आपको पूरा स्टोरेज मिलने वाला है। कम से कम 2 फीट का आपको स्टोरेज मिलेगा। और बीच में भी दोस्तों आपको शेल्फ मिलेगी और स्टोरेज। आप यहाँ पे भी मतलब सोते समय अपना अगर कोई सामान रखना है आपको तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। और जो दोस्तों ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पे भी अगर आप सोते समय अपना कोई भी सामान रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद अगर लेग साइड की बात करूँ तो दोस्तों हमारा लेग साइड कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे हेड साइड का डिजाइन है सेम मैचिंग में आपको लेग साइड मिलने वाला है। बीच में वुडन पार्ट, जैसे हेड साइड में बीच में वुडन पार्ट है वैसे ही लेग साइड पे आपको वुडन पार्ट मिलेगा। और जैसे कार्बिन का वर्क साइड में हो रखा है वैसे ही वर्क, जैसे हेड साइड पे कार्बिन का वर्क हो रखा है वैसे सेम आपको लेग साइड पे कार्बिन का वर्क मिलने वाला है। और अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है, दोस्तों डार्क ब्राउन कलर में पूरा बेड पॉलिश हो रखा है। और इसमें दोस्तों ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग हो रखी है बेड में और हल्का सा इसमें नेचुरल कलर भी ऐड करा हुआ है। अगर आप देखेंगे साइड साइड में तो डार्क कलर है, बीच में जितना भी कलर है सारा लाइट कलर है। और अगर मैं मैट्रस एरिया की बात करूं कि मैट्रस एरिया क्या साइज है, दोस्तों जो मैट्रस एरिया हमारा है वो 6x6.5 का मैट्रस एरिया है। आप चाहे तो इसमें अपने अकॉर्डिंग 6x6, 6x5 जो भी आपको साइज कस्टमाइज करके बनवाना है वो आप यहां पे बनवा सकते हैं। मैट्रस दोस्तों इसके अंदर 5 इंची का मैट्रस आएगा और इसके अंदर दोस्तों हमारा स्टोरेज वाला पार्ट है। दोस्तों ये हमारी ऊपर वाली प्लाई है, ऊपर वाली प्लाई दोस्तों हमारी 16 mm की प्लाई है। और नीचे दोस्तों हमारा स्टोरेज वाली एरिया आ जाएगा, ये हमारा नीचे स्टोरेज है। और देख सकते हैं अंदर पूरा कंप्लीट डीको पॉलिश हो रखा है, सभी के अंदर आपको पूरा अंदर बाहर पूरा डीको पॉलिश मिलेगा। और दोस्तों जो नीचे वाली प्लाई है, जो हमारा स्टोरेज वाली प्लाई है दोस्तों, ये 12 mm की प्लाई है और नीचे 12 mm मिलेगी दोस्तों और ऊपर आपको 16 mm की प्लाई मिलेगी। आप चाहें तो इसमें भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करा सकते हैं। अगर आपको ऊपर 18 चाहिए तो ऊपर 18 हो जाएगी, नीचे अगर 18 चाहिए तो वो भी कस्टमाइजेशन हो जाएगा। और दोस्तों जो ये बेड है पूरा लकड़ी और प्लाई दोनों ही कॉम्बिनेशन में बना हुआ है। लकड़ी दोस्तों जो लगी है, जितनी भी इस बेड में लकड़ी लगी है सारी सागवान की लकड़ी लगी हुई है। और दोस्तों जो प्लाई लगी है सारी वाटरप्रूफ इस बेड में प्लाई लगी है। इसके ऊपर बता दिया हमारा मैट्रेस वाले एरिया पे 16 mm प्लाई है, नीचे वाले स्टोरेज वाले एरिया में हमारा 12 mm प्लाई है। और जितने भी इस बेड में प्लाई लगी है और जगह सारी 18 mm की प्लाई लगी है। और जितनी भी प्लाई है वो मैंने बताया आपको 710 ग्रेड वाटरप्रूफ प्लाई लगी है इस बेड में। और आप चाहें तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन, अगर आपको चेंज दूसरा चाहिए, पूरा लाइट में बेड चाहिए, पूरा डार्क में बेड चाहिए कलर कॉन्ट्रास्ट में, तो वो भी कलर कॉन्ट्रास्ट पॉसिबल है। पॉलिश की अगर बात करूं दोस्तों, जो इसमें पॉलिश तो मैंने आपको कलर बता दिया, अगर पॉलिश की क्वालिटी की बात करूं दोस्तों, हाई ग्लॉस प्यू पॉलिश इस बेड में पूरा पॉलिश हो रखा है, जिससे क्या होता है इसकी लॉन्ग लास्टिंग, थोड़ी पॉलिश की क्वालिटी उतनी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जो नॉर्मल पॉलिश होते हैं वैसे हाई ग्लॉस ये सब इनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, ज्यादा ड्यूरेबल नहीं रहते। जो पीयू होता है थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल रहता है, लंबे समय तक थोड़ी बेड आपका शाइनिंग रहता है। और दोस्तों साइड से हमारा कुछ इस तरीके से आपको बेड मिलेगा, ये हमारा बॉक्स हो गया। और जमीन से दोस्तों आपको 4 इंची ऊंचा मिलेगा, झाड़ू पोछा लगाने में आपको कोई इशू ना आए इसीलिए 4 इंची जमीन से आपको ऊंचा मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हमको जमीन से पूरा टच बेड चाहिए, तो दोस्तों वो भी उस तरह के बेड भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आपको ये बेड लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी जितनी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते ही दिख जाएगा। और अगर आप ऑर्डर पे बेड बनाना चाहते हैं, मतलब अगर आपकी कोई डिमांड है उस तरह का, अगर आपको बेड चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। आप अपने प्रोडक्ट को बनते हुए देख सकते हैं, किस क्वालिटी का उसमें मटेरियल लगा है, किस क्वालिटी की उसमें पॉलिश हो रखी है, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ की जितनी डिटेल है सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी फर्नीचर रिलेटेड कोई क्वेरी है, मतलब फर्नीचर के बारे में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस टॉपिक की वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा।